पर अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी की कार्रवाई के बाद हटाए गए हैं आईएएस संजीव हंस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिए गए हैं। आईएएस संदीप पौड्रिक को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऊर्जा विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऊर्जा विभाग के एसीएस हैं संदीप पौड्रिक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रजनीश हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, संजीव हंस पर यह बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले एक महीने से जिस प्रकार से बिहार में और इसके साथ साथ पुणे नई दिल्ली के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही थी, यानी आईएएस संजीव हंस के साथ साथ जो पूर्व विधायक गुलाब यादव है इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। ईडी को कई बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से संजीव हंस के जो सीए हैं और गुलाब यादव के, इनके यहाँ भी जब दबिश पड़ी है और इनके जरिए जब जानकारी मिलने लगी है, तब पता चला है कि कई जगह पर इनके जो अवैध संपत्ति है उसको लेकर अब राज्य सरकार ने भी एक्शन लिया है। और बता दें आपको कि सामान्य प्रशासन विभाग ने भी कार्रवाई की है और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से इन्हें हटा दिया गया। और इसके साथ साथ जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है इसके एमडी के पद से भी इन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो अब संदीप पौड्रिक जो आईएएस हैं एसीएस उद्योग, अब उन्हें जो है ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव का एक तरह से जिम्मा मिला है। इसके साथ साथ वे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के भी प्रभार में रहेंगे। तो कुल मिलाकर आईएएस संजीव हंस को लेकर चर्चा लगातार तेज थी और बिहार में एनडीए की सरकार है, माना यह जा रहा है कि सरकार को हर हाल में कार्रवाई करनी थी और यही वजह है कि बिना देर किए अब सरकार ने एक्शन ले लिया है। आईएएस रजनीश, जिस तरह से संजीव हंस की संलिप्तता पहले ही पा ली गई थी, उन पर यह कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों बरती गई है? बिल्कुल, देखा जाए तो ईडी ने जिस प्रकार से शुरू में ही एक जानकारी दे दी थी कि पुणे में छापेमारी हुई है और वहां पर भी अवैध संपत्ति यानी संजीव हंस के साथ साथ गुलाब यादव की संपत्ति जब्त की गई थी। और बता दें आपको कि पेट्रोल पंप के साथ साथ नई दिल्ली में भी कई ठिकाने पर, गुड़गांव में ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। और उसके बाद जो इनके सीए हैं इनके यहाँ भी लगातार पूछताछ और छापेमारी हुई है। तो इनके सीए के जरिए भी जानकारी मिली है राज्य सरकार को और ईडी को भी कि कई बेनामी संपत्ति और इनका जो कारोबार है काला कारोबार वो इनका सीए ही हैंडल करता था, जिसके बाद नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब इन्हें सामान्य प्रशासन में अब ज्वाइन करना है। फिलहाल ऊर्जा जैसे बड़े विभाग के प्रधान सचिव से संजीव हंस हटाए गए हैं और राज्य सरकार ने इन्हें अब हटा दिया है, क्योंकि गुलाब यादव के खिलाफ भी और संजीव हंस के खिलाफ धन शोधन की जांच लगातार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत। तो ईडी का अगला एक्शन क्या होगा वो भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो इनके सीए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। और बता दें आपको कि संजीव हंस एक तरह से जहां भी रहे हैं बड़े पद पर रहे हैं और कहा जाता है कि मलाईदार जो पोस्ट है संजीव हंस को मिलता रहा लंबे समय से। ऐसा भी कहा जाता है कि कई शहरों में इनकी संपत्ति है, मुंबई, जयपुर और यहां तक कि हिमाचल में भी इनकी संपत्ति होने की अफवाहें लगातार चलती रहती हैं। उनमें कितना दम है इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ कौन कौन और हैं जिन पर शिकंजा कसना भी बाकी है? देखिए आइए, संजीव हंस के कई रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ चल रही है और इसके साथ साथ वहां पर छापेमारी भी चल रही है। आइए, संजीव हंस के साले के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां भी ईडी पहुंच गई है और दिल्ली में भी रियल एस्टेट एजेंट के ठिकानों पर जो है ईडी का रेड हुआ है। इसके साथ साथ जो संजीव हंस के और नजदीकी लोग हैं उनके यहाँ भी रेड किया जा रहा है। तो इनके सीए के साथ साथ बाकी जो रिश्तेदार हैं वहां भी दबिश बढ़ गई है और रविंद्र चौधरी जो मेन मास्टरमाइंड है संजीव हंस का, वो सीए है और वही काला कारोबार को अंजाम देता है। तो ईडी अभी फिलहाल जिस कार्रवाई के मूड में है, ऐसे में अब ईडी के सहयोग के बाद, ईडी की कार्रवाई और खुलासे के बाद राज्य सरकार ने ही बड़ा एक्शन ले लिया है कि बिना देर किए इन्हें पहले ऊर्जा विभाग से मुक्त किया जाए, उसके बाद जांच चलती रहेगी। जी तो रजनीश, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि संजीव हंस की अब जो मुसीबतें हैं वो बढ़नी शुरू हुई हैं। अभी तक जो था वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत